अपना ब्लॉग करेंगे, कल खाली जानवरों का था, आज अपना ब्लॉग। भैया मंडी के दीवाने हमने बहुत देखे हैं, बट ऐसा क्रेव मैंने किसी में नहीं देखा। पर अभी मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूँ वो मंडी का दीवाना सच में कोई मंडी का दीवाना यार, मैं कहता हूँ। भैया ब्लॉगर हमने बहुत देखे होंगे, बट एक हमारा है मंडी का दीवाना कराची का, हम आपको उससे मिलवाते हैं अगर वो हम ही भरे तो। ये शख्स लास्ट ईयर मंडी 105 बार जा चुका है। अब आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट पीपल सेज कि ये बंदा सच में जा चुका है 105 बार, जब मैं आपसे आपको बता रहा हूँ मैं। भैया प्रेजेंटिंग, अच्छा आपको मंडी का दीवाना बोलूँ या सरोज? सरोज भाई भी बोल सकते हैं, मंडी का दीवाना भी बोल सकते हैं। अब प्रेजेंटिंग है फिर मैं गलत जगह से खड़ा होगी। बाकी भैया आप यहाँ कल भी, आप यहाँ पर आए कल भी, आपको मैंने देखा जी जी, तो कैसा रहा आपका? माशाल्लाह बहुत भरपूर। अच्छा दिन ये हो रहा है कि फ्राइडे कल जो पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, माशाल्लाह से आवाम की बड़ी तादाद जो है आप लोग देख भी सकते होंगे पीछे अगर दिख रहा हो, माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है, तो शौकीन जो है वो आए जा रहे हैं और एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह से इजाफा होता ही जा रहा है माशाल्लाह से। अच्छा तो कल मैंने देखा, कल दोपहर में दिन में इतना नहीं था, बट रात में जितना हुआ है ना मुझे अभी जब मैं आया हूँ जी जी, दोपहर से मुझे रश मिला है। दोपहर से सीन ये है कि आज सैटरडे है, अब मैं ये तो ये सोच रहा हूँ कि संडे को क्या होगा, संडे तो होता भी सबका छुट्टी का दिन है, आज दोपहर से सबने आना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से अभी रात को फायरवर्क्स भी होंगे, कॉन्सर्ट भी होगा आप लोगों के सामने, तो देखें क्या होता है इंशाल्लाह। कल कवाली नाइट भी है, कल इंशाल्लाह कवाली नाइट भी, अफसल साबरी भाई जो है इंशाल्लाह आएंगे कवाली पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह देखें किस तरीके से शौकीन एंटरटेनमेंट होता है। और कल की टाइमिंग क्या वैसे? कल की टाइमिंग भी वही है कि तकरीबन 2 बजे गेट खुल जाएंगे और 10:30 बजे तक गेट एंट्री बंद हो जाएगी, लेकिन कॉन्सर्ट जो वो कवाली जो है वो तकरीबन 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुबह मंडे होता है, सबको जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये रिव्यू वगैरह लेने के बाद मैंने सोचा अब यहाँ आ तो गए हम लोग, कुछ कर भी लेते हैं। अब मैंने कल सुना था यहाँ पे फर्स्ट डे कि यहाँ पे हाइसन मकाओ क्या आएगा, हाइसन मकाओ बताता हूँ। अगर आप लोगों ने रिव्यू मूवी देखी तो उसमें ब्लू और आई थिंक जूली ये दो करेक्टर्स हैं जो दोनों ब्लू कलर के हैं, और वो दोनों हाइसन मकाओ हैं जो अभी तक के सबसे बड़े जो मकाओ हैं वो हैं, काकाटू वगैरह सब छोटे बच्चे इसके आगे तो। और इस सुनने में ये भी आते हैं मेरे कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव पैरट्स में ये आते हैं हाइसन मकाओ, ये लाइक जो जूली और जो ब्लू था ये रियो मूवी के। अगर अब भी समझ नहीं आया आपको तो आई थिंक यू हैव टू गो एंड वॉच रियो मूवी, या खाली आप गूगल भी कर लो आप रियो ज्वेल, अब आई थिंक ज्वेल या ज्वेल कोई था दो, मतलब मकाओ तो है बट हाइस्ट मकाओ नहीं है जिसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। सॉरी भैया कभी कभार खालिद भाई हमारे कहीं आगे पीछे निकल जाते हैं, बट हाइस्ट मकाओ नहीं, हाइसन मकाओ। बहुत आला जॉय है यहाँ की, तो यहाँ पे हर कुछ हर जगह कुछ नया मिल रहा है हमें देखने को। तो ये वहाँ हमें देखने को मिले कुछ नया किस्म के टर्टल जो कि पाकिस्तान में कुछ खत्म हो गए, ये आपको खालिद भाई बताएंगे कि पालने चाहिए नहीं। खारा पानी कहते हैं जो हमें समुद्र बीच वगैरह मिलता है, वो आप लोग कभी भी घर पे मत लेकर आए भैया, वो मर जाएंगे, उन्हें आप जहाँ से लाएं उन्हें वापस छोड़ दें। इस तरह के जो हैं आप उनको पालें, इनको ना पालें ज़्यादा अच्छा है। अब इनमें जो स्टार वाला है भैया वो तो पाकिस्तान में बहुत रेयर है,
क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्रजाति, हिंदी वर्ड आ रहा है, इसकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में से। अब ये बाहर फॉरेन कंट्रीज वगैरह में आपको मिल जाएगा आराम से, बट पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको पालना है या ब्लीडिंग करवानी है तो आप लाइक ये वाले आप पालें, दूसरे वाले आप ना पालें, ये मेरा मशवरा आपका, आपसे ये मेरा पर्सनल मशवरा आपसे कि आप ये वाले पालें। यही सस्ते हैं, कुछ लाखों रुपए के मिल जाएंगे तकरीबन, कुछ ऐसे ही होंगे। भाई अपडेट, कल लास्ट है और कल की जो टाइमिंग है दोपहर 2 to 9 की टाइमिंग है, और रात में मतलब कवाली नाइट भी है यहाँ पे, कवाली नाइट भी है, आपको वो भी मज़ा आएगा यहाँ पे लेने का। धूप यहाँ से आ रही है, बाकी कल लास्ट भी है, कल लास्ट है, इन्जॉयमेंट मत छोड़े अपनी, और खुद भी है, अपनी फैमिली को भी लेकर आए। अंदर बहुत रश था, हम बाहर निकले भी यहाँ से, अब थोड़ा बाहर ब्लॉक करेंगे। भैया स्टार्टिंग टाइनी ब्लॉग, यहाँ पे तैयारी चल रही है, हमारा बंदा भी वहाँ भागा है, अंदर चले गए ब्लॉग करते करते, हमारा ब्लॉग अभी यहाँ पर ही है, मैं यहाँ स्टार्ट हो गया ब्लॉग। साइकिल अभी तक अभी सोच ही रही हूँ ट्रिप। भैया कल हम ब्लॉग के चक्कर में अपना ब्लॉग करना भूल गए थे, खाली हमने सिर्फ जानवरों का रिव्यू करा है, आज रिव्यू की जगह हमारा ब्लॉग होगा। सॉरी फॉर जानवर बीच में आ गया, मैंने भी कहा था कि हम अपना व्लॉग करेंगे, बट यहाँ पे अभी जानवरों की कैट वॉक स्टार्ट हो रही है, वो देखना तो बनता है, अब हम वो देखेंगे यहाँ पे। कैट वॉक ख़त्म होते ही अनाउंसमेंट हो कि उस साइड पे आपका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, आप लोग वहाँ तशरीफ ले आए, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। असल सीन तो ये है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि अंदर खाली फैमिलीज अलाउड थी, अब फैमिली कहाँ से लाएं, हम तो सारे लौटे रह पाड़े। अब मैं यहाँ जैसे कि बोल रहा हूँ कि हमें अंदर जाना है, बट अंदर जाने के लिए हमें कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा, तो
मैंने वॉशरूम का बहाना करा और वॉशरूम का बहाना करके मैं अंदर आ गया, पर वो लड़के अभी तक बाहर हैं। फाइनली हमारे सारे लड़के अंदर आ चुके हैं, हम सब अंदर इंजॉय करेंगे। इसमें यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, आई मीन रात के 12 बजे का न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। आज का हमारा ब्लॉग नहीं ख़त्म होता है और बहुत बहुत शुक्रिया, अगर पसंद आया मेरा ब्लॉग तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर दिल करे तो। बाकी छोटा रिव्यू जो हर जगह बनता है जी भाई, माशाल्लाह से भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खालिद अरशद के नाम से यूट्यूब पे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब मुझे भी इनको भी। छोटा रिव्यू जो हर जगह बनता है जी भाई, माशाल्लाह से भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खालिद अरशद के नाम से यूट्यूब पे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब मुझे भी इनको भी।